का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि आज हमारे देश में बालिकाओं का सम्मान अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारत के गांव में और कुछ शहरों में भी अभी भी बालिकाओं के प्रति बड़ी ही छोटी सोच है। चलिए देखते हैं नाटक के प्रथम दृश्य में एक परिवार की ओर। मैंने कहा था तुमसे मुझे लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या दहेज की चिंता मुझे करनी पड़ेगी। बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है, देखिएगा मेरी बेटी बड़ी होकर पढ़ लिखकर नाम रोशन करेगी। तुम और तुम्हारी बेटी अफसर बनी। आइए अब हम अगले दृश्य में चलते हैं। जब बेटी बड़ी हो जाती है आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं? दादी दादी मुझे भी 5 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, तुम्हारी पैर दबा दूंगी, तुम्हारा सर भी दबा दूंगी और तुम्हारी चोटी भी बना दूंगी, मुझे 50 पेन लाने दादी। अरे हट मत करे, तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, तुझे जब वो 1 महीने बाद वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसका जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? Yeah।
पढ़ लिख करके रोशन करे जब सारा। आज हमारे समाज में एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन बन जाती है। जैसे कि दादी जी स्वयं ही एक स्त्री है, पर वो अपनी पोती को मानसिक रूप से हर पग पर प्रताड़ित करती है। क्या यही है यहाँ की वास्तविकता? आइए हम अगले दृश्य में चलते हैं। पति पिता परिवार की सोच को हमें बदलना होगा, तभी एक नारी का सम्मान होगा। धन्यवाद।